हे माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 और हम लोगों ने ब्रेकफास्ट रेडी कर लिया है। ब्रेकफास्ट में आज है पोहा। पता नहीं, मेरा तो पेट भरा भरा सा है। मिस्टर कुमार ने नाश्ता कर लिया है, मैं थोड़ा रुक के करूँगी। और बस हम लोग अभी बात कर रहे थे आज क्या क्या करना है, हाउ विल बी आर डे। कल शाम की जो भी परचेजिंग थी वो हम लोग दिखा नहीं पाए क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो गया था, तो हम लोग आज कवर करेंगे उसको। नॉर्मल हाउस होल्ड स्टफ, कुछ स्पेशल नहीं है ऐसा। और बस लंच में क्या रहेगा, होली का क्या है, वही सब हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे। बस दिखाते रहेंगे जो भी करेंगे, वी विल टेक यू विद अस। ये क्या हो रहा है मिस्टर कुमार? यहाँ पे हमारे गार्बेज बैग डंप करने की तैयारी हो रही है, ये अब ट्रैश में डाला जाएगा। और यहाँ पे लग रहा है दूसरा बैग, ये सही है। डस्टबिन वो गंदा नहीं होता है, उसमें एक ये छोटा सा डंप करने के लिए है, छोटा सा क्या, उसी के साइज़ का है, उसी शेप का। बस इसमें डंप करो और उसमें डाल दो। मैं कल्ला इधर लिख लूँ कहीं यूपीएससी के एग्ज़ाम में ना आ जाए। तो यहाँ है कल की ग्रॉसरी शॉपिंग का कुछ एक छोटा सा वीडियो। हमने लिया है ये एक दूध, एक ही लिया है क्योंकि इस बार एज ऑलवेज टोल कि इसकी ड्यू डेट बस 21 मार्च तक की है और हम लोग सिर्फ चाय में ही यूज़ करते हैं। दही वगैरह, दही पनीर अभी सब है तो ज़्यादा लेने का मतलब नहीं था और इससे कम मिलता नहीं, तो हमने सिर्फ एक ही गैलन लिया कल दूध का। और ये बटर और ये टॉर्टिया जो हम लोग बहुत यूज़ करते हैं, ये हमने लिया टारगेट से। और बाकी मुझे अदरक लेनी थी तो अदरक टारगेट में मिली नहीं, तो उसके लिए हमें जाना पड़ा वॉलमार्ट। सो वॉलमार्ट से हमने लिया थोड़ा सा अदरक। फिर वॉलमार्ट गए थे तो वहाँ मुझे कुछ फ्रेश फ्रेश सब्जियाँ दिख गई, मैंने कहा सब्ज़ी ले लेते हैं। कल फिर मैं ढूंढ के ग्रीन वाली शिमला मिर्च लेके आई क्योंकि यहाँ पे रेड, ऑरेंज, येलो बहुत मल्टी कलर्ड मिलती है, तो मुझे ग्रीन वाली लेनी, तो ग्रीन वाली ये शिमला मिर्च। और मुझे स्प्रिंग अनियन बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा, इसको पत्ते वाले प्याज भी बोलते हैं, तो मैं ये लेके आई। यहाँ पे एकदम अच्छे से प्रॉपरली नीटली चॉप्ड मिलता है, ऐसे हमारे यहाँ कैसे निकला होता है कुछ कुछ ड्राई ड्राई होके और एकदम अच्छे से चॉप्ड रहता है, तो ये मैंने इसके 2-3 स्टिक लिए। और हाँ, मिस्टर कुमार ने एवोकाडो लिया, मैं तो मना कर रही थी कि बहुत हो गया एवोकाडो एवोकाडो, तो बोले नहीं बहुत हेल्दी होता है, लेते हैं इसको। हम लोग एवोकाडो लिए 2-3, अब ये बिल्कुल कच्चा है, इसको हम लोग रखेंगे कुछ दिन, जब ये प्रॉपरली राइप अप हो जाएगा तब हम लोग इसको कुछ यूज़ करेंगे। और मुझे गोभी लेने का मन था तो फिर मिस्टर कुमार ने बोला नहीं ब्रोकली ले लो, ब्रोकली हेल्दी होती है, तो हमने ब्रोकली ली। और थोड़े से नींबू लिए, ग्रीन चिलीज एंड यस स्पिनच। स्पिनच यहाँ पे बिल्कुल रेडी टू ईट फॉर्म में मिलता है, वॉश, इसको बस हम सीधा कढ़ाई में डाल सकते हैं, बट फिर भी फॉर आर सेल्फ सेटिस्फैक्शन वी कैन वॉश इट वंस। और यस मशरूम्स, मिस्टर कुमार बहुत दिन से मशरूम मशरूम कर रहे थे, मुझे मशरूम ज़्यादा पसंद नहीं है क्योंकि मुझे इसमें नॉनवेज वाला टेक्सचर आता है, बट ठीक है ले लिया है मशरूम, इसको किसी दिन बना लेंगे अच्छी सी ग्रेवी में, दैट्स इट। इतना ही था इसका लंच, दाल चावल आलू मटर की सब्जी और दही। मैंने दही अभी नहीं लिया है, मैं खा कर लूँगी। ये हमारा आज का लंच। हे गाइस, आपसे आज तो मैं मिला ही नहीं, वैसे मिलाया था ऐसे, अभी बच गया है शाम का 6 और काम वगैरह ख़त्म हो गया है और आज हम दोनों लोग ही सोच रहे हैं जिम जाने का। मैं अपने ऑफिस के जिम जाऊंगा और वैष्णवी सोच रही है यही जो हमारा कम्युनिटी का जिम है, सोसाइटी का जिम है, वही जाएगी। अब बाहर टहलने का एज अ प्लान बनता तो है लेकिन बहुत ठंडा है। आई थिंक दिस वीक एंड द फॉलोइंग वीक मौसम ठंडा है, बारिश वगैरह है लगातार, उसके बाद से शायद हीटअप होना शुरू होगा, एटलीस्ट फोरकास्ट तो वही है बट कीप्स ऑन चेंजिंग, तो शायद थोड़ा हीटअप हो जाए तो और प्लेजेंट हो जाएगा एंड देन इट विल बी ईजियर टू रोम अराउंड आफ्टर सनसेट। अभी तो कल हम लोग निकलने टहलने गए थे, जैसे गए उल्टे पाँव तुरंत वापस आ गए थे क्योंकि आज वहाँ भी ऐसे नाक कान जो खुला हुआ था और जमने लग गया था एंड दैट इज़ नॉट कम्फर्टेबल, यू डोंट वॉन्ट टू बी आउटसाइड इन सच एनवायरमेंट। खैर, तो अभी मैं निकलता हूँ जिम के लिए, मेरा एक दोस्त भी आ रहा है, सो एक कोई पार्टनर रहता है तो मोटिवेशन बना रहता है, और अगर आप स्लैक ऑफ कर रहे हैं तो वो आपको खींच के ले आ सकता है, कभी वो स्लैक ऑफ कर रहा था आप खींच के ले आ सकते हैं। तो जाते हैं जिम करके आते हैं तो फ्रेश फील होगा, होपफुली वैष्णवी भी जिम जाए, अभी तो मोटिवेटेड लग रही है। चलिए जिम करके आते हैं फिर आपसे मिलते हैं, बाय। हाय पीपल, तो शाम के बज रहे हैं, कितना बज रहा है, 6:15 होने जा रहा है और
काफ़ी देर से हम लोग घर में थे, तो थोड़ा वॉक के लिए निकले हैं। वॉक करेंगे या फिर जिम जाएंगे। मिस्टर कुमार ने आपको अपडेट दिया होगा, वो जिम जा चुके हैं। बाहर अच्छा खासा ठंड है, मतलब हाँ ठीक ठाक ठंड है, गलन टाइप की थोड़ी थोड़ी ठंड है। तो बस मेल बॉक्स भी चेक कर लेंगे, बहुत दिन से चेक नहीं किया है। एक वॉक हो जाएगी और जिम भी कर लेंगे। चलिए मिलते हैं फिर। मेल बॉक्स चेक कर लिया है और जो भी डॉक्यूमेंट्स आए थे, प्रॉब्लम मुझे लग रहा है मैंने दूध के लिए जो कंप्लेन की थी उसका रिफंड भी आ गया। आई कैन सी दिस फ्रॉम होराइजन मिल्क, दिस इज समथिंग गुड। जो गलत है वो गलत है, तो मैंने कंप्लेन कर दिया था जो मिल्क कर्डलिंग वाला था फर्स्ट टाइम, एंड आई गॉट द फुल रिफंड फॉर इट। आउट की आई एम गोइंग बैक। जैकेट पहन लो तो ठंड कम लगती है, बिना जैकेट के ठंड ज़्यादा लगती है। ठंड तो है, कम है पर है। इंडिया में आज होली होगी, हैप्पी होली टू एवरीवन। यहाँ तो कल है वेंसडे, तो कल है होली का दिन, बट ड्यू टू सम रीजंस हमें होली नहीं मनानी है इस बार। यहाँ पे इंडो अमेरिकन स्टाइल में होली होती है, लाइक सब लोग एक जगह इकट्ठा होकर होली मनाते हैं। वो भी शायद वीकेंड पे होगा सेलिब्रेट, तो देखते हैं मे बी वी जॉइन और वी डोंट। यहाँ पे लाइट बहुत डिम रहती है बाहर, पता नहीं लाइट में इतनी कंजूसी क्यों करते हैं। आपको दिखाते हैं, काफ़ी अंधेरा है, कितना अंधेरा है, सो डिम लाइट। थोड़ी स्ट्रीट लाइट थोड़ी ब्राइट हो सकती थी, इतना सन्नाटा क्यों रखना है बाहर। बैक होम, मिस्टर कुमार तो अभी तक नहीं आए होंगे, विल टेक सम टाइम टू कम बैक। दरवाज़ा खोलते हैं, वो अपने बॉक्स ऑफ चिप्स में से कौन सा फ्लेवर आज खाया जाए। जिम करके आने के बाद ये होता है हमारा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। लेज वेवी ओरिजिनल नहीं, चीटोस का तो बहुत सारा फ्लेवर मैं ट्राई कर चुकी हूँ। ये अच्छी चीज़ है, एक डब्बा भर के आपको चिप्स मिल जाए और आपको जो भी फ्लेवर खाना हो आप ले सकते हैं। ये खाएं क्या नहीं, ये ट्राई कर चुके हैं, बहुत सारे चीटोस के फ्लेवर हैं। लेज ट्राई कर, अपना ब्लॉग्स और एंजॉय करेंगे फ्रीटोस। बस कितना सारा पास्ता का पैकेट है, अलग अलग शेप का, ये वाला फिर ये वाला। ये तो कॉमन वाला है जैसा इंडिया में खाते हैं, ये हमने ट्राई कर लिया है, ये वाला नहीं ट्राई किया है। ये इंडिया वाला ही है, तो आज वाइट सॉस पास्ता बनाने का मन कर रहा था तो हम ये वाला बनाने जा रहे हैं, क्योंकि इसमें अंदर तक बिल्कुल क्रीम चली जाती है ना, इसलिए इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। Hey guys. तो मैं आ गया हूँ जिम से वापस, काफ़ी टाइम हो गया, आधा घंटा हो गया ना, 8 बजे तक आ गए थे। हाँ अभी 8:20 हो रहा है, 15 मिनट जाने में, 15 मिनट आने में, आधा घंटा चला गया, 5 मिनट नहीं लगता है, 10 से 15 मिनट लगता है डिपेंडिंग ऑन ट्रैफिक। आधा घंटा वहीं चला गया, 1.25 घंटा एक्सरसाइज, और आज दोस्त भी मिल गया था तो उससे भी थोड़ा बात किए, और टाइम लग गया। टीवी स्टैंड वो अभी कर रहा था, हमको लगा साथ में निकलता तो ले आते, उसको अभी आधा घंटा था और निकलने में। मेरा टीवी स्टैंड मेरे दोस्त के पास रखा हुआ है, तो किस दिन जाएंगे ले आएंगे, अभी तब तक वो लोग यूज़ कर रहे हैं, यूज़ करते रहे। और खैर तुम बता दी रात में क्या बन रहा है। हाँ थोड़ा सा बताया, जब पास्ता निकाल रहे थे ना आपने पास्ता का स्टॉक से तो दिखा दिए। अच्छा तो फिर आपको पता ही, आज लोग व्हाइट सॉस पास्ता खा रहे हैं डिनर में, और रेसिपी तो सबको पता ही होगी, लेकिन आज आप हमारे साथ खाइए, हमारी रेसिपी देखिए। चलिए आपको जल्दी से दिखाते हैं क्या क्या हो गया है, क्या क्या होने जा रहा है। ये रहा हमारा डिश वॉशर, इस पे बर्तन हो चुके हैं, हम बर्तन अब सेट कर रहे हैं। मुझे तो बहुत ही कन्वीनियंट लगता है ये, बट सम पीपल थिंक क्या होता ही है, पानी और बिजली का वेस्टेज होता है इसमें। बर्तन पूरे भर के होना तो फिर सेंसिबल है डिशवॉशर लगाना, बट अगर दो प्लेट दो कटोरी होना तो बिल्कुल सेंस ही नहीं बनता है कि लगाओ फिर, क्योंकि धुलने का इसमें कोई साइंस नहीं है, पूरे को पानी से भर देता है। अच्छा साबुन ले लेता है, यहाँ साबुन डालते हैं इसमें, यहाँ से साबुन ले लेता है, पूरे को एक बार झाग वाले पानी से धुलेगा, फिर बस नॉर्मल पानी से धुलेगा। तो इतने से बर्तन के लिए इतना बड़ा में पानी भरना और बिजली से चलना, इवन आई फील इट्स अ वेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड रिसोर्सेज। अगर एक दो तीन टाइम के बर्तन हो तो फिर सेंस बनता है। मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है ना कि यूएस में इतना पानी बचाओ बिजली बचाओ का नहीं है, यहाँ ये लोग अपनी कम्फर्ट देखते हैं। जैसे इंडिया में हर चीज़ का
प्राइमरी मोटिव होता है इसमें पानी बचेगा कि नहीं बचेगा, इसमें बिजली बचेगी नहीं बचेगी, वेस्ट ना हो, यहाँ पे वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे कंफर्ट वाला कॉन्सेप्ट है कि सब चीज़ आप वो करिए जिसमें आपकी लाइफस्टाइल सबसे कंफर्टेबल हो। वेस्ट हो रहा है, बिजली वेस्ट हो रही है, होने दीजिए। ऐसा इन लोग की कोई गलती नहीं है, हम लोग इंडिया से आए हैं तो इंडिया में हर चीज़ की रिसोर्सेज बहुत ही लिमिटेड है, बिजली हो, पानी हो, कुछ भी हो, तो इसलिए हमारा माइंडसेट ही हमेशा से वैसा रहा है कि हम कुछ भी यूज़ करेंगे तो बचा के यूज़ करेंगे। ऑन दी अदर हैंड US में पॉपुलेशन कम थी और इट हैज़ ऑलवेज बीन अ वेरी डेवलप्ड स्टेट, तो बिजली पानी कभी भी इसकी दिक्कत नहीं थी, तो कभी वो माइंडसेट डेवलप नहीं हुआ यहाँ पे लोगों में। ऐसा नहीं है कि लोग बेवकूफ़ हैं या केयरलेस हैं, इट्स जस्ट कि जो सिचुएशन है उसके हिसाब से लोग रहते हैं। अब हम लोग छोटे से जो सीख के आए हैं हम लोग वही इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। ओके नाउ बैक टू आवर, ये हमारा पास्ता बॉईल होके रेडी हो गया है, बहुत ही सुंदर लग रहा है द प्लेट में। हमारी वेजीज भी चॉप्ड हैं और ये वेजीज चॉप्ड हैं, प्याज, शिमला मिर्च, थोड़ी सी हरी मिर्च, मिर्च तीखी नहीं है बिल्कुल देखने के लिए। मिर्च कैसे लंबे लंबे काटो तो उसको जुलियन बोलते हैं। हाँ ये मैंने अब US आके सीखा है। आप में से कितने लोग को पता था ये? मुझे तो बिल्कुल नहीं पता था ये ऐसे लंबा लंबा काटे तो उसको जुलियन बोलते हैं, आप बताइएगा। ये थोड़ी सी मिर्च लहसुन और वो हमारी हरी मटर, मटर यहाँ पे फ्रोजन ही लेनी पड़ती है, ऐसे छिलने वाली बड़ी मुश्किल से मिलती है। यहाँ पे हमारे ये बटर हमने डाल दिया है, बहुत थोड़ा सा बटर है, फैल के पिघल के फैल गया है, बट बहुत थोड़ा सा बटर है, जितनी हमारी वेजीज है कम्पेयर टू दैट बहुत ही थोड़ा सा बटर है। इसमें अब हल्का सा स्टर फ्राई करेंगे ना, क्रंची ही रखना है वेजीज को। हाँ 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 बस क्रंची रखना है, ज़्यादा एकदम सब्जी की तरह उसको गलाना नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा कचकच अच्छा लगता है पास्ता में। ये हमारी वेजीज हो गई हैं, क्रंची रखना है वेजीज को, बहुत पकाना नहीं है, सब्जी नहीं बनानी है। अब नेक्स्ट स्टेप होगा इसको बाहर निकाल लेंगे, इसी में बहुत हल्का सा 1 चम्मच 1.5 चम्मच ज़्यादा से ज़्यादा 2 चम्मच मैदा हल्का सा भूनना है, भूरा नहीं होने देना है, जैसे ही भुरभुरा होगा उसमें दूध डाल देंगे। करेक्ट करेक्ट, यहाँ हमारा मैदा भून चुका है, वैसे थोड़ा ज़्यादा ही भून गया, हम लोग इंडिया होली विच करने लग गए और हमारा मैदा थोड़ा ज़्यादा ही लड्डू जैसा भून गया है, ऐसा कुछ नहीं है। आप सभी को भी होली की मुबारक, हमारे यहाँ तो वीकेंड पे मनेगी, वैसे मैंने आज जो ब्लॉग अपलोड होगा, मुबारक होली की मुबारक हो गए तुम, होली की शुभकामनाएं, होली की शुभकामनाएं ग्रामर नाजी, जो ईद मुबारक कर रहे हो, होली की शुभकामनाएं ईद मुबारक होती है। चलो मुबारक फीलिंग समझना चाहिए, हाँ, वर्ड्स पे नहीं जाना चाहिए। चलो हमारे पास्ता पे ध्यान दो। चलो चलो चलो, एक चंकी पांडे कोई रोल करते थे पास्ता का कुछ नाम, आखिरी पास्ता, आखिरी पास्ता नाम था ना, I'm joking! Mamma mia! Come on! दूध मेरे हिसाब से दूध बॉइल करके डालते हैं हम इंडिया में, ये हम कच्चा दूध डाल रहे हैं अकॉर्डिंग टू मिस्टर कुमार, क्योंकि ये ऐसे पी भी लेते थे। अरे यहाँ पे गाय उबाल के देती है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। ऐसा वो एफिशिएंट है, गाय उबाल के देती है, तो हम डायरेक्ट गैलन से डाल रहे हैं, आई डोंट नो अब ये क्या होगा। एंड आर पास्ता इज रेडी, टटना। इसमें मैंने ओरिगैनो चिली फ्लेक डाल दिए हैं, थोड़ा सा चीज़ मिलाया है, थोड़ा सा जो हमारा मिल्क का सॉस था उसको थिक करने के लिए वाइट सॉस, और ये हमारा पास्ता रेडी हो चुका है। मस्त दिख रहा है ना, बहुत। आप उसको जल्दी से खाते हैं, इसको लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी होली, इन्जॉय कीजिए, बुरा मत माने कोई ज़्यादा रंग लगा दे तो, आप उसको और ज़्यादा रंग लगा दीजिएगा, बराबर हो जाएगा। और इसके साथ आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल विच इज़ UPLA व्लॉग्स। आपसे मिलेंगे कल, तब तक के लिए टाटा बाय।